हाय गाइस, नदीम फ्रॉम मुंबई टैट। अभी मैं कुछ आपको ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ जो काफी अपडेट होते जा रही है, जैसे कि डीसी बैटरी, आरसी बैटरी, रोटरी मशीन, पेन मशीन, कॉइल मशीन। लोगों को सिर्फ कॉइल मशीन के बारे में पता है और कॉइल मशीन में सिर्फ फ्लिप कॉर्ड नीडल यूज होता है ऐसा लोगों को पता है। बट हमारे पास अभी एक ऐसी कॉइल मशीन है जिसमें आप आरसी कॉर्ड यूज कर सकते हो और आरसी कॉर्ड के साथ में आरसी बैटरी भी यूज कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ बताऊंगा ये सब मशीन और बैटरी के बारे में, कैसी कैसी बैटरी आती है। मैंने बैटरी के ऊपर वीडियोस बनाया है, शायद आपने देखा होगा। ये एक बैटरी है जो आरसी होती है, दिस इज आरसी, जिसमें नॉब बाहर होता है वो आरसी बैटरी होती है, जिसके अंदर नॉब के अंदर होल होता है जिसके अंदर आपकी मशीन का नॉब जाएगा वो डीसी होती है। तो ये जैसे हमारी बैटरीज होती है ना, नॉर्मल बैटरी, वैसे प्लस माइनस कैसे होता है, वैसे ये प्लस माइनस है। तो ये प्लस है, ये माइनस, तो डीसी बैटरी बोला जाता है, इसको आरसी बैटरी बोला जाता है। पेन मशीन है, ये कॉर्ड देख के आपको पता लगाना है कि पेन मशीन में आरसी बैटरी लगेगी या डीसी लगेगी, ठीक है। तो अभी कभी भी आप अगर डीसी या आरसी का ऑर्डर करना है आपको, तो आपको ये पहले समझना है कि आपकी पेन में आरसी बैटरी लगेगी या फिर डीसी लगेगी। उसके लिए आपको आपका खुद की पेन मशीन का कॉर्ड देखना है, वो कॉर्ड किस तरह से। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमारी मार्केटिंग गर्ल को सेंड करोगे इसका फोटो, वो आपको समझा देगी कि उसमें डीसी लगेगी या आरसी लगेगी। तो ये जो है इसके अंदर होल है इस तरह से, ठीक है, तो इसमें लगेगी डीसी बैटरी, क्योंकि आप अगर देखोगे ये डीसी बैटरी वाली पेन मशीन है, जिसका रेट है 7800 रुपीज। कटाना की पेन मशीन है, बहुत अच्छी मशीन है। मैंने इसको ऑफर में अभी सिर्फ 5200 रुपए किया है, जो अभी मैंने 3-4 दिन पहले इसका कम से कम 50 पीस सेल कर दिया है, क्योंकि इसके ऊपर आपको सेव होता है 2600 रुपीज। कॉस्ट 7800 रुपए है और अभी ऑफर में सिर्फ 5200 रुपए, 5200 रुपीज। जल्दी से जल्दी ऑर्डर करके इसको बाय कर लो। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास चार्जिंग नहीं है और आपके पास इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है, तो आप इसके अंदर ये डीसी वाला बैटरी यूज कर सकते हो। डीसी का वीडियो मैंने बनाया है, तो आप इसके लिए डिटेल अगर आपको देखने का, तो इसका सेपरेट वीडियो है, उसमें आप इसका डिटेल चेक करना कि किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये डीसी इसमें चला है, ना ही अभी आपको पावर सप्लाई की जरूरत है, ना ही फुट स्विच, ना ही क्लिप कॉर्ड, बस आपको इसको ऑन करना है और ये स्टार्ट हो जाएगा, आपकी मशीन स्टार्ट होगी। सेम आपका जो चार्जिंग होता है, मोबाइल चार्जिंग होता है, वैसे ही आपको कॉर्ड को इस पे लगाना है, आपके मोबाइल चार्जर से इसको चार्ज करना है, दैट्स इट। और ये यहाँ पे इसका डिटेल है, डिटेल में मैं आपको बता दूं, प्लस और माइनस वोल्टेज है, ऑन ऑफ है, इसको आपको होल्ड करके रखना है, तब जाके ये ऑफ होगा। अभी मैं इसको वापस से होल्ड करके रखूंगा तो ये ऑन होगा, सिर्फ ऐसे प्रेस करूंगा तो ऑन नहीं होगा, देखो ऐसे ऑन नहीं होगा, आपको इसको होल्ड करके रखना है 5 सेकंड। ये मैंने स्पीड फास्ट लगा कि आपको आवाज आए और आपको समझे कि मशीन चालू है, ठीक है। अभी होल्ड करके रखा, ये ऑफ हो जाएगा। इसके अंदर हम लोग कार्ट्रिज नीडल किस तरह से लगाएंगे, बस इजीली आपको इसको अंदर डालना है और इसको देखना है कहाँ पे गया, तो वो खुद खुद अंदर चले जाएगा, आपको एक टन मारना है बस, वो टाइम, ठीक है। ये यहाँ से अभी मैंने इसको वापस से होल्ड करके रखा, ये ऑन हो गया। आप मशीन का स्ट्रोक चेक कर सकते हो, ये काफी भार है, तो इसको स्ट्रोक को डाउन करने के लिए, जैसे स्ट्रोक मतलब ये नीडल काफी भार है, अगर नीडल को आप इतना भार रख के क्लाइंट के ऊपर चलाओगे तो नीडल जो है क्लाइंट की बॉडी में होल्ड कर देगी, तो आपको यहाँ से इसको लो करना है। ये जो रेड रिंग है ना, ये रेड रिंग के यहाँ से खोलना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से खोलोगे तो मोटर निकलेगी, यहाँ से खोलोगे तो आपका जो डेप्थ है वो कम हो जाएगा। ये स्ट्रोक कम हो रहा है, दिख रहा है आपको, मैं एकदम कम करके अब दिखाता हूँ आपको, तो शायद दिख रहा है अभी एकदम कम हो गया ना, स्ट्रोक कम हो गया। इसको वैसे ही स्ट्रोक को बढ़ाना है, तो हम इसको टाइट करते जाएंगे, जैसे जैसे आप इसको बढ़ाओगे यहाँ का गैप बढ़ते जाएगा, नीडल जितनी बाहर आएगी उतना यहाँ का गैप कम होते जाएगा, तो जैसे जैसे नीडल अंदर जाएगी यहाँ का गैप कम होते जाएगा। अभी नीडल बाहर है, गैप बंद है, इसका मतलब ये फुल स्ट्रोक है। ये मशीन के बारे में बता दिया आपको मैंने, कैसे नीडल लगेगी, कैसे आपको स्ट्रोक को देखना है, और ये डीसी के बारे में और डिटेल चाहिए तो आप डीसी का वीडियो देख सकते हो, सिंपल है। यहाँ पे बैटरी का आपको दिखाएगा कितना पॉइंट है, प्लस माइनस है, ये प्लस हो रहा है यहाँ से माइनस हो रहा है, ठीक है, प्लस माइनस है, ये ऑन ऑफ है, बैटरी कितना चार्ज है वो दिखा देगा आपको यहाँ से चार्जिंग का, दैट्स इट। तो अभी ये पेन मशीन के बारे में बता दिया कि पेन मशीन को आप विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ, अभी इसके बाद में मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ये है रोटरी मशीन, कटाना रोटरी मशीन। वीडियो पूरा देखना तो आपको सबका ऑफर के बारे में पता चलेगा। तो मैंने अभी जितने भी 3 मशीन लिया है इस मेरे हाथ में, तीनों पे ऑफर चल रहा है, तो ये तीनों मशीन पे ऑफर है, तो इसमें आपका फायदा है। कॉइल मशीन के साथ में आपको एक एलन की सेट आएगा, रोटरी मशीन के साथ में आपको इसका एक एलन की सेट आएगा, और साथ में इसके 2 बेयरिंग है, लाइनर के लिए एक बेयरिंग होता है, स्ट्रेटर के लिए होता है। तो इसमें ये बेयरिंग होता है, इसके ऊपर लिखा होता है 2.5, इसके ऊपर लिखा है 3.5, और एक होगा 4.2 या 4.5। तो ये जो है 4.2, तो ये स्पेशली डबल यूज होगा, लाइनर और शेडर के लिए यूज होगा, और जो 2.5 है वो सिर्फ लाइनर के लिए, और जो 4.2 है वो सिर्फ शेडर के लिए।
तो ये सारी चीजें यूज होगी ये मशीन के साथ। तो ये बेरिंग्स तो आपको अगर चेंज करना है तब आप करोगे। स्पेशली एक वीडियो भी बना दूंगा मैं ये मशीन के लिए। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आरसी और डीसी के बारे में। तो ये जो रोटरी मशीन है इसके अंदर अभी कॉर्ड लगेगा, देखो कौन सा कॉर्ड लगेगा, इसमें आरसी कॉर्ड लगेगा, क्योंकि इसमें और इसमें काफी फर्क है ना, ये डीसी और ये आरसी, ये डीसी ये आरसी। तो अभी डीसी के लिए हमने बताया कि डीसी बैटरी लगेगी ये वाली, ठीक है, ये वायर की जगह पे ये बैटरी यूज कर सकते हो, ये आरसी कॉर्ड की जगह पे ये बैटरी यूज कर सकते हो। तो इसको मैंने अभी अंदर डाल दिया। ये मशीन के लिए भी मैं आपको पूरा वीडियो बना के बताऊंगा, इसमें ग्रिप, इसमें नीडल किस तरह से लगेगा, ठीक है। कटाना रोटरी मशीन है, काफी अच्छी मशीन है और इसका भी ऑफर चल रहा है, काफी ऑफर चल रहा है और कॉइल मशीन का भी ऑफर चल रहा है। ये कॉइल मशीन में भी एक अलग मशीन है, ये कॉइल मशीन है बट ये अलग है, ये कटाना प्रोफेशनल कॉइल मशीन है जिसके अंदर आप क्लिप कॉर्ड, ये जो होल है यहाँ पे दो, यहाँ पे लगेंगे क्लिप कॉर्ड और यहाँ पे जो होल है यहाँ पे लगेगा आरसी कॉर्ड। तो आरसी कॉर्ड अगर आपके पास नहीं है या फिर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है तो आप बैटरी भी यूज कर सकते हो। तो ये पहली मशीन है जिसमें आप बैटरी यूज कर सकते हो। कॉइल मशीन में ऐसी मशीन नहीं आई अभी तक जिसमें आप बैटरी यूज करके विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हो। ये मशीन अभी चालू हो जाए, इसको ना पावर सप्लाई की जरूरत है ना फुट स्विच ना क्लिप कॉर्ड, बस इसको मेरे को यहाँ से होल्ड करके रखना है। तो ये आपके लिए कितना बेनिफिट है सोचो, आप कहीं भी जाके अपना टैटू कर सकते हो, रोटरी मशीन, कॉइल मशीन, पेन मशीन तीनों यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टू बैटरी। इसको स्ट्रोक यहाँ से प्लस माइनस कर सकते हो, देखो माइनस होते जा रहा है, ऐसे प्लस माइनस आप इसको कर सकते हो, अभी 6 पे 7 पे 8 पे 9 पे ऐसे बढ़ते जाएगा, जब पूरा बढ़ जाएगा तो पूरा 1 पे आ जाएगा, फिर वापस से इसको आपको बढ़ाते जाना है। तो प्लस माइनस आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से आपकी सेटिंग कर सकते हो। तो कॉइल मशीन को आप विदाउट पावर सप्लाई फुट स्विच क्लिप कॉर्ड यूज कर सकते हो अगर इसमें आरसी कॉर्ड का नॉब लगा हुआ है तो। आरसी कॉर्ड का नॉब लगा हुआ है तो आप आरसी बैटरी ले लो और इसको आप विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यूज करो। ये वो बैटरी है जिसको आपको सिर्फ 2 से 3 घंटा चार्ज करना है और 5 घंटा आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये आरसी और डीसी। अब ये वाली रोटरी मशीन हमने चलाई नहीं, इसको एक बार चला के दिखाता हूँ आपको। इसमें लगेगी आरसी, रोटरी मशीन चालू हो गई, ये मशीन का स्ट्रोक है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि आपको पता चले मशीन चालू है, क्योंकि ये रोटरी मशीन है, इसमें साउंड नहीं है, साउंडलेस मशीन है। तो जब आप नीडल लगाते हो तो उसमें नीडल की थोड़ी बहुत आवाज आती है, बाकी कुछ नहीं आती। तो अभी आपको पावर सप्लाई फुट स्विच क्लिप कॉर्ड की जरूरत नहीं है अगर आपके पास ये दोनों बैटरी है। तो ये बैटरीज भी अभी ऑफर में है और ये तीनों मशीन भी ऑफर में है। तो ये सारी चीजों के इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारी मार्केटिंग टीम है, वो मार्केटिंग टीम से आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, तो वो आपको सबका इंडिविजुअली डिटेल्स दे देगी। अगर आपको इंटरेस्ट है कॉइल मशीन में तो कॉइल मशीन बाय कर सकते हो, आप रोटरी मशीन में इंटरेस्ट है तो रोटरी मशीन बाय कर सकते हो, और अगर आपको पेन मशीन चाहिए तो पेन मशीन यूज कर सकते हो और बाय कर सकते हो। पेन मशीन अगर बाय करोगे तो याद है आप सिर्फ कांटे नीडल इसमें यूज कर सकते हो और कोई नीडल यूज नहीं होगा। और ये रोटरी मशीन और कॉइल मशीन लिया आपने तो आप इसका जो ग्रिप आता है वो, उसका भी वीडियो बनाया मैंने, इसका कार्ट्रेज ग्रिप आता है, वो ग्रिप लगाने के बाद में आप ये कार्ट्रेज नीडल यूज कर सकते हो। ये जो कार्ट्रेज नीडल है अगर आपको रोटरी मशीन में यूज करना है या फिर कॉइल मशीन में यूज करना है तो ये नीडल आप इसमें भी यूज कर सकते हो, इसमें भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये दोनों के लिए आपको ग्रिप लेना पड़ेगा जिसको बोलते हैं कार्ट्रेज ग्रिप। तो आप हमारी टीम से बात करोगे और आप उनको बोलोगे कि मेरे को कार्ट्रेज नीडल यूज करना है तो वो आपको ग्रिप सजेस्ट करेंगे, वो ग्रिप आपको बाय करना है, वो ग्रिप के हेल्प से आप कार्ट्रेज नीडल यूज कर सकते हो दोनों मशीन के अंदर, वो ग्रिप दोनों में लगेगा। तो वो एक ग्रिप आपके कॉइल मशीन और रोटरी मशीन को कार्ट्रेज वाली मशीन बना सके, और ये जो आपकी पेन मशीन है इसके अंदर आप नॉर्मल नीडल नहीं यूज कर सकते हो, आपको सिर्फ कार्ट्रेज नीडल ही यूज करना है। तो ये सारी चीजों का डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसके बाद में और भी वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ जिसका इंडिविजुअल वीडियोस बनेगा, ये कॉइल मशीन का, पेन का और रोटरी का। तो आगे आप वो वीडियोस भी देखते रहो और अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट्स में लिखो कोई अगर आपको वीडियोस चाहिए तो मुझे फोन करके बताओ, तो मेरा नंबर आपको पता ही है 9023993269, उसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट करो, मैं आपसे खुद बात करूंगा और मैं खुद आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या लेना चाहिए कैसे लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।